हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आर फाउंडेशन ये वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का पार्ट सेकंड है फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने वर्क एंड एनर्जी के सारे कॉन्सेप्ट को ब्रीफली डिस्कस किया था उसके साथ ही इन चैप्टर क्वेश्चन किया था एंड एन का सारा एग्जाम्पल क्वेश्चन भी किया था इस वीडियो में हम लोग एन का एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे तो अगर आप फर्स्ट वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जा करके देखिए एंड सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा उस वीडियो में हमने फोर्टी सेवन मिनट में अप्रॉक्स सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया है एंड साथ ही उसमें एन सी आर टी के बुक में जितने सारे चैप्टर के अंदर जितने सारे क्वेश्चन हैं एंड साथ में जितना एग्जाम्पल है सब सॉल्व किया है सिर्फ फोर्टी सेकेंड फोर्टी सेवन मिनट में ही तो अब इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बेलू रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क तो ये सारे एक्टिविटी में बताना है कि किस में वर्क हुआ है किस में वर्क नहीं हुआ है सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड देखिए मैंने बताया है कि साइंस में वर्क के लिए दो कंडीशन होना जरूरी है फर्स्ट कंडीशन की फोर्स अप्लाई होना चाहिए एंड सेकेंड कंडीशन की डिसप्लेसमेंट होना चाहिए अगर ये दोनों कंडीशन रहेगा तो वर्क डन होगा तो सुमा देखिए स्विमिंग कर रही है पॉन्ड में तो स्विमिंग करेगी तो डिस्प्लेसमेंट तो आएगा ही इसमें एंड एनर्जी लगाएगी ही फोर्स अप्लाई करेगी ही तो यहाँ पे फोर्स भी है एंड एन डिसप्लेसमेंट भी है तो इस केस में वर्क होगा नेक्स्ट है अ डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक अपने बैक पे लोड कैरी कर रहा है मतलब फोर्स अप्लाई करेगा और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है लोड का तो यहाँ पे भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों इन्वॉल्व है इसीलिए यहाँ पे भी वर्क डन होगा नेक्स्ट है अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल यहाँ पे वाटर से सॉरी वेल से वाटर लिफ्ट किया जा रहा है वेल से वाटर निकाला जा रहा है यहाँ इसका मतलब यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंड विंड मिल फोर्स अप्लाई कर ही रहा है जिसकी वजह से पानी वेल well से बाहर आ रहा है तो यहाँ पे भी वर्क इन्वॉल्व है नेक्स्ट है अ ग्रीन प्लान इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व नहीं है प्लांट अपने अंदर ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट कर रहा है लिप्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है कोई भी डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व नहीं है इसीलिए यहाँ पे वर्क डन नहीं होगा एंड इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन इंजन ट्रेन पे फोर्स अप्लाई कर रहा है एंड ट्रेन मूव कर रहा है तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट भी है एंड फोर्स भी है तो यहाँ वर्क डन होगा फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन देखिए सन में फूड ग्रेन्स ड्राई हो रहा है सुखाया जा रहा है तो वहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा इसीलिए यहाँ वर्क डन नहीं होगा नेक्स्ट है अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी तो यहाँ पर भी देखिए मूव कर रहा है सेल बोट विंड एनर्जी की वजह से तो यहाँ पर भी वर्क डन इन्वॉल्व होगा क्योंकि मूव कर रहा है तो डिसप्लेसमेंट तो होगा ही नेक्स्ट है एंड ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एटन एंगल टू द ग्राउंड मूव इन अ करव्ड पाथ एंड फॉल बैक टू द ग्राउंड एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंका गया एंड ये ऑब्जेक्ट वापस से ग्राउंड पे आ गया इसको इस तरह से यहाँ से फोर्स अप्लाई करके इसको फेंका गया ऊपर तो ये इस तरह से ऊपर गया और फिर आकर के वापस नीचे ग्राउंड पे गिर गया कह रहा है द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजोंटल ये जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है ये दोनों सेम हॉरिजोन लाइन लाई करता है मतलब ये एक पूरा प्लेन है प्लेन ग्राउंड है जिस पे बॉल को ऊपर फेंका गया और बॉल आकर के वापस इसी ग्राउंड पे गिर गया व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो कह रहा है ऑन द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या वर्क डन हुआ तो वर्क डन के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है तो फोर्स जी इस, इस बॉल का जितना ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का जितना वेट होगा उतना ही फोर्स इस पर लगेगा इसको फेंकने के लिए कम से कम ठीक है तो ये बॉल जब ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी इस पर नीचे की ओर फोर्स लगाएगा इसका मतलब इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है ठीक है तो यहाँ पे फोर्स है अपना बट इसका डिस्प्लेसमेंट देखिए ग्रेविटी अर्थ के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट देखिएगा ना क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा मतलब पूछा जा रहा है कि वर्क डन क्या होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा अगर आपको वर्क वर्कडन बताना है तो ग्रेविटी ये अर्थ के रिस्पेक्ट में ही डिस्प्लेसमेंट देखिएगा आप तो बॉल अर्थ से गया ऊपर और फिर वापस अर्थ पे ही आ गया तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो यहाँ पे वर्क फोर्स है बट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन यहाँ पे जीरो हो जाएगा क्वेश्चन अच्छे से समझिए ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहा है तो यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बॉल को धरती से ऊपर फेंका और वापस ये धरती पर ही गिर गया ग्राउंड पर ही गिर गया तो धरती के रिस्पेक्ट में हॉरीजोंटली इसका देखिएगा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉल यहाँ से यहाँ चला आया बट आपको यहाँ पे अर्थ के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट बताना है कि पहले बॉल अर्थ पे तो था फिर ये ऊपर गया फिर वापस अर्थ पे ही आ गया तो अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना इसीलिए यहाँ पे डन जीरो हो जाएगा नेक्स्ट है अ बैटरी लाइट लाइट्स अ बल्ब डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एक बैटरी से बल्ब जला तो इसमें कौन कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व है तो देखिए बैटरी में केमिकल एनर्जी होता है केमिकल एनर्जी पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बल्ब जला होगा एंड बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा करके के लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा तभी लाइट आया होगा एंड बल्ब हीट भी हो जाता है इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ हीट एनर्जी में भी चेंज हुआ होगा तो पहले बैटरी में था केमिकल एनर्जी ठीक है उसके बाद ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया लाइट एनर्जी में जब बल्ब जला तो एंड साथ में हीट भी निकला तो ये हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो गया दोनों में कन्वर्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ट्वेंटी किलोग्राम मास चेंजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम फाइव मीटर पर सेकेंड टू टू मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है फाइव फाइनल वेलोसिटी हो गया टू मतलब स्पीड इसका कम हुआ इसका मतलब बॉल इधर से जा रहा था पाँच की स्पीड से तो इस पर इसी डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा दिया जो कि इसके वेलोसिटी को कम कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाइएगा तभी वेलोसिटी कम होगा इसका मतलब फोर्स यहाँ पे निगेटिव है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स तो आपको वर्क डन बताना है तो इस केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो वर्क डन के बराबर होता है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ इंटू एम इन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पे हाफ मास कितना है ट्वेंटी किलोग्राम फाइनल वेलोसिटी है टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये हो जाएगा टू टू जा फोर और ये इनिशियल था फाइव तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है ना तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ इंटू ट्वेंटी इंटू इसको माइनस की जरूरत है ट्वेंटी वन आ जाएगा ये टेन इक्वल टू ये दो सौ दस आ गया इतना सॉरी इतना जूल इतना जूल एनर्जी लगा बट आपको पता है कि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा बट हाँ यहाँ पे ये जो फोर्स जो लगा है वो निगेटिव डायरेक्शन में लगा है जो कि इसके सॉरी कहाँ है क्वेश्चन हाँ ये निगेटिव डायरेक्शन में लगा है जो कि इसके वेलोसिटी को कम कर दिया है तो हम लोगों ने बात करा था कि वर्क पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है जीरो होता है बट एनर्जी सिर्फ पॉजिटिव होता है एनर्जी निगेटिव और जीरो नहीं होता है तो यहाँ पर एनर्जी आपका दो जूल हो जाएगा सॉरी ये काइनेटिक एनर्जी 210 जूल हुआ ना तो यहाँ वर्क डन निकालने बोल रहा है ना तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही वर्क डन होता है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 210 जूल हुआ तो यहाँ वर्क डन भी कितना हो जाएगा ये भी 210 ही हो जाएगा और ये निगेटिव डन हो जाएगा क्योंकि वर्क डन निगेटिव होता है हम लोगों ने बात करा है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा इसलिए वर्क डन यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा माइनस जूल नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मास ऑफ टेन किलोग्राम इज एट अ पॉइंट ए ए पॉइंट पे अभी मास है दस किलोग्राम का ऑन अ टेबल इट इज मूव्ड टू अ पॉइंट बी इसको पॉइंट बी पे ले ले गया इफ द ज्वाइनिंग लाइन ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल मतलब एक ही हॉरिजॉन पे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ऑब्जेक्ट को ला दिया गया व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा फिर से वर्क डन पूछ रहा है ठीक है तो अगर मान लीजिए कि एक टेबल पे रखा हुआ है टेबल का हाइट कुछ भी है मान लीजिए टेबल का हाइट दस फीट है तो इसको उठा करके यहाँ पे लाया गया ठीक है तो इस वक्त जो इस पे ग्रेविटेशनल जितना ये अर्थ से डिस्टेंस पे है ये ऑब्जेक्ट इनिशियली ये दस फीट पे और मान लीजिए कि दस फीट ये है ठीक है तो टोटल तो बीस फीट ये टोटल डिस्टेंस बीस फीट हो गया तो अभी जिस डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है फाइनल पोजीशन भी पे भी तो ये इसी हाइट पे है ना अभी जिस हाइट पे इनिशियली है पॉइंट ए जिस हाइट पे है पॉइंट बी भी तो उसी हाइट पे है क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है कि इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजोनटल ये दोनों लाइन हॉरीजोनटल है मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में इस बॉडी का कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं पहले जिस हाइट पे था अभी भी उसी हाइट पे है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो यहाँ पे भी वर्क डन अर्थ के द्वारा ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा यहां पे जो हमने बात किया था कि एक बॉल को थ्रो किया गया था ग्राउंड से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे आपको अपना आंसर एक्सप्लेन करना है तो आप यही बताइएगा कि अर्थ के रिस्पेक्ट में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ इसीलिए उसपे डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी डिक्रीज प्रोग्रेसिवली डिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो फ्रीली फॉल कर रहा है धरती पर अर्थ पर फ्रीली फॉल कर रहा है तो जैसे जैसे इसका देखिए पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है एम जी एच तो जैसे जैसे हाइट कम होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी इसका कम होता जाएगा तो कह और हम लोग जानते हैं कि एनर्जी ना ही बनता है ना ही खत्म होता है तो कह रहा है कि इसका एनर्जी तो कम होता जाएगा तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायोलेट कर रहा है अच्छा ये समझिए एक बॉडी है जो फ्रीली फॉल कर रहा है अर्थ पे अर्थ की तरफ एंड हम लोगों को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज्कवल टू एम जी एच होता है मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा उस तरह पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा और अगर हाइट कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा तो यहाँ पे बॉल अगर नीचे आ रहा है इसका मतलब इसका हाइट कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इसका कम हो रहा है बट तो हम लोग ये भी जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि एनर्जी ना ही बनता है ना ही खत्म होता है तो अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो रहा है तो वो एनर्जी कहाँ जा रहा है क्या फॉलो नहीं कर रहा ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को तो इसका आंसर होगा कि नहीं ये फॉलो कर रहा है ये इस बात को ऐसे समझिए ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट का ही पार्ट था जो मैं नहीं बताया हूं आप लोगों को ये देखिए एक मिनट ये मान लीजिए कि ग्राउंड है एंड यहाँ पे अभी एक इस हाइट पे एक बॉल है ये कोई मान लीजिए कि पिलर है इस पर एक बॉल है तो एक ग्रेविटी से एच हाइट पे है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी होगा इसके वेट के बराबर वेट होगा ये एम और एच ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एम जी एच इसके पास एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी है हम लोग जानते हैं कि टोटल एनर्जी जो होता है मैकेनिकल एनर्जी वो हमेशा कंजर्व होता है हमेशा कांस्टेंट होता, होता है जो कि बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के ठीक है इतना बात ठीक है एक बॉल है जो एच हाइट पे है इस पर पोटेंशियल एनर्जी है अभी एम जी एच एंड हम लोग जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है कॉन्सटेंट होता है और ये होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी तो देखिए इस पॉइंट पे देखिए इसके पास पोटेंशियल एनर्जी एम है इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर निकालिएगा इस पॉइंट पे अगर मैकेनिकल एनर्जी निकालिएगा इस पॉइंट पे इसका मैकेनिकल एनर्जी निकालिए तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास अभी है एम और काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि इसमें कोई मोशन ही नहीं है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा ये काइनेटिक एनर्जी है जो कि जीरो है क्योंकि यहाँ पे कोई एस, मोशन है ही नहीं और हम लोगों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी होता है मोशन के वजह से जो एनर्जी आता है वो तो अब मान लीजिए कि ये बॉल गिरना स्टार्ट हुआ तो अगर ये यह बॉल यहाँ पे पहुँचा तो इसके पास कुछ इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा ये यह बॉल यहाँ से यहाँ तक फ्रीली फॉल किया तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा एंड हाइट इसका ये हो जाएगा ये मान लीजिए कि नया हाइट है ए तो इस वक्त इसका अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालिएगा तो ये हो जाएगा एम जी ए क्योंकि ये नया हाइट है इसका एंड यहाँ पे इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगा क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम मास और वी ए स्क्वायर जो वेलोसिटी होगा वो यहाँ पे वी ए स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे जो पहले एम जी चीज के पास पोटेंशियल एनर्जी था अब ये कम होकर के जो एम जी ए पोटेंशियल एनर्जी हो गया तो ये जितना कम हुआ ना वही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया जो मान लीजिए कि यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी दस था और यहाँ आते आते इसका पोटेंशियल एनर्जी आठ हो गया तो बाकी जो दो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया अगर मान लीजिए कि हाफ हाइट पे आ गया यहाँ तो पे, यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी एच बाई टू तो ये मान लीजिए कि दस था तो ये हो जाएगा पाँच पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसका पाँच हो जाएगा क्योंकि ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे दस ही था इस पॉइंट पे देखिए मैकेनिकल एनर्जी क्या था पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल तो एनर्जी दस है और काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी दस हुआ ना तो हर वक्त मैकेनिकल एनर्जी दस ही रहेगा इस हाइट पे भी देखिए मैकेनिकल एनर्जी दस हो गया अगर ये पोटेंशियल एनर्जी पाँच हो गया तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पाँच हो जाएगा इस तरह से मैकेनिकल एनर्जी दस हो जाएगा और जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो यहाँ पे एम जी एच जीरो हो जाएगा क्योंकि एच जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दस हो जाएगा क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा ये तो बॉल जैसे ही यहाँ पे गिरेगा ना तो गिरने से जस्ट पहले ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी दस हो जाएगा एंड जब ये स्ट्राइक कर जाएगा इस पर बॉल तो ये जो एनर्जी है दूसरे चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा ये एनर्जी इस पर गिरेगा तो इस ग्राउंड को दे देगा कुछ एनर्जी जो है अगर ये गिरने के बाद आवाज़ किया तो कुछ एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट है तो ये समझ गए तो आपसे ये क्वेश्चन भी बन जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि ये वायलेट नहीं कर रहा है वाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन रेट अकर वेन यू आर राइडिंग अ बाईसाइकिल देखिए जब आप बाईसाइकिल चलाते हैं तो आपका जो मेस्कुलर एनर्जी होता है वो साइकिल के व्हील को मूव कराने लगता है मूव कराने में कंज्यूम होता है एंड जब साइकिल का व्हील मूव करता है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ जाता है मोशन हुआ इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हो गया तो आपका जो मैस्कुलर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया व्हील को मूव कराने में एंड व्हील जो मूव किया तो उसके साथ साथ साइकिल भी मूव करने लगा तो ये काइनेटिक एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया आपका मैस्कुलर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दिया व्हील में एंड व्हील का कानेटिक एनर्जी वापस से पूरे साइकिल में कानेटिक एनर्जी दिया तो यहाँ पे मेस्कुलर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस वेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विथ ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट वेयर इच द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग तो कह रहा है कि जब आप एक वाल को कॉन्स्टेंटली पुश करते हैं एंड इसमें कोई मोशन आता नहीं है इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आता एंड आप इस वाल को सॉरी यहाँ पे रॉक है एक ह्यूज रॉक को पुश कर रहे हैं अपने पूरे ताकत के साथ एंड फेल कर गए हैं इसको मूव करने में आपने एक रॉक को बहुत ताकत लगाया मूव करने के लिए बट ये मूव नहीं हो पाया उस वक्त आपका एनर्जी गया, गया कहाँ जो आपने स्पेंड किया तो जो एनर्जी आपको इस पे इसको पुश करने में लगाया ना वो इसके अंदर स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी में मैंने बताया था कि जब आप किसी बॉडी पे एनर्जी अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी में या तो काइनेटिक एनर्जी आता है या फिर मैकेनिकल सॉरी ये पोटेंशियल एनर्जी आता है आपने जो एनर्जी अप्लाई किया वो था मैकेनिकल एनर्जी और आपने जो एनर्जी इस बॉडी को दे दिया वो इसके पास मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में ही आएगा तो वो एनर्जी या तो इसमें इन वेलोसिटी प्रोड्यूस करवाएगा या फिर इसमें जाकर के स्टोर हो जाएगा तो या तो काइनेटिक एनर्जी आएगा या तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा या फिर दोनों आ सकता है तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी तो आया नहीं इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सारा एनर्जी इसमें स्टोर हो गया नेक्स्ट है अ सर्टन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम्ड टू फिफ्टी यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ हाउ मच एनर्जी इसको जूल में कन्वर्ट करना है ये बहुत सिंपल है इसका तो मैंने बताया था कि एक यूनिट में थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टू पावर सिक्स जूल होता है तो इसको सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए टू फिफ्टी से एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास फोर्टी के जी इज रेज टू अ हाइट ऑफ फाइव मीटर अबव द ग्राउंड व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी एक चालीस के के ऑब्जेक्ट को पाँच मीटर हाइट पर ले गया, गया है तो पोटेंशियल एनर्जी बताना है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो गया एम जी एच यहाँ पे फोर किल फोर्टी किलोग्राम दिया हुआ है तो मास हो गया फोर्टी एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी टेन हो गया और हाइट है आ, पाँच तो ये हो गया इसका पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स कैनेटिक एनर्जी वेट इट रिच हाफ वेट डाउन कह रहा है कि इसके पास अभी देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया ये टू हंड्रेड हो जाएगा और ये टू थाउजेंड हो गया ना टू थाउजेंड जूल हो गया पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है कि इसका काइनेटिक एनर्जी बताइए जब ये वापस गिरने लगा और आधा दूर पर आ गया आधा रास्ता पे जब आ गया तो जब आधा रास्ता पे आया तो इसके पास पो, पोटेंशियल एनर्जी जो है इसका हाफ हो जाएगा अगर एच हाफ हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी इसका हाफ हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी थाउजेंड हो जाएगा तो जो थाउजेंड पोटेंशियल एनर्जी जैसे टू थाउजेंड पहले था अभी जैसे थोड़ा देर पहले हमने हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में बात किया था कि जितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो पहले टू थाउजेंड था पोटेंशियल एनर्जी अब वन थाउजेंड हो गया पोटेंशियल एनर्जी तो जो वन थाउजेंड लॉस हुआ वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा वन थाउजेंड देखिए एक बार फिर से देखिए इस हाइट पे है अभी ऑब्जेक्ट इसके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है टू थाउजेंड जूल जब ये गिर करके हाफ रा, मतलब जब ये गिरने लगा फॉल हुआ तो आधे रास्ते में इसका काइनेटिक एनर्जी बताना है तो अगर आधे रास्ते अगर पूरा हाइट पे इसके पास दो हज़ार जूल पोटेंशियल एनर्जी है तो आधे रास्ते पर इसके पास एक जूल होगा पोटेंशियल एनर्जी वन होगा एम जी एच एच हो गया एच बाई टू तो यहाँ पर टू से डिवाइड हुआ तो वन थाउजेंड हुआ ना इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ वन थाउजेंड और यही पोटेंशियल एनर्जी जा करके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वन थाउजेंड एंड जब ये यह बॉल यहाँ पर गिर जाएगा तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा पूरा पूरा टू थाउजेंड जूल क्योंकि पूरा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेवन नंबर व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ जस्टिफाई योर आंसर ये देखिए ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये मान लीजिए कि अर्थ है और ये सैटेलाइट का ऑर्बिट है इसमें सैटेलाइट मूव कर रहा है तो अर्थ के ग्रेविटी के द्वारा इस पर वर्क डन बताना है तो देखिए ये मूव तो कर रहा है इसमें बट हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर पाथ पे जब मूवमेंट होता है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है वैसे भी देखिए हर पॉइंट पे अर्थ से इस सेटेलाइट का डिस्टेंस जीरो ही बराबर ही है जितना डिस्टेंस इस पॉइंट पर यह आर है वही डिस्टेंस इस पॉइंट पे भी होगा जब सेटेलाइट यहाँ पर आ जाएगा जब सेटेलाइट यहाँ पर आ जाएगा इस कंडीशन में भी डिस्टेंस आर ही रहेगा तो एम जी में एच तो चेंज ही नहीं हो रहा है ना हाइट तो हमेशा सेम है तो हाइट जब सेम है तो वकडन जीरो हो जाएगा वकडन होता है एम जी एच एच है तो सॉरी वकडन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसीलिए इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ वर्क डन जीरो हो जाएगा नेक्स्ट है कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द अब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट थिंक डिस्कस दिस क्वेश्चन विथ योर विथ योर फ्रेंड एंड टीचर देखिए इसका आंसर आपको वैसे समझना होगा मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता है और इस पर जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो ये हमेशा मोशन में ही होता है और जब ये मोशन में ही होगा ही तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा ही जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होना ही है अगर सर्कुलर मोशन में हुआ तो इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा अगर इस पॉइंट से बॉडी जाना स्टार्ट हुआ और इसी पॉइंट पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा पर अगर सर्कुलर पाथ में भी बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी ये डिस्प्लेसमेंट होगा एंड हम लोग ये पढ़े हैं कि अस्ट्रेत स्ट्रेथ पाथ पे ही मान लीजिए कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है ये पूरा स्मूथ है कुछ भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा और यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता ही रहेगा इस पर फोर्स नहीं लगेगा तो भी अगर इस पर फोर्स लगेगा तो ये इसके स्पीड को बढ़ा देगा या फिर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो इसके स्पीड को कम कर देगा तो मान लीजिए कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा कोई एयर का रेजिस्टेंस नहीं लग रहा मतलब कोई एयर का भी फोर्स नहीं लग रहा और ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता ही रहेगा तो इसमें डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल कुछ ना कुछ आएगा हाँ ही डिस्प्लेसमेंट इसमें जीरो के बराबर नहीं होगा बट फोर्स यहाँ पे जीरो है तो फोर्स की ऑप्शेंस में भी यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वही कह तो रहा है कि कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द ऑप्शेंस ऑफ एनी फोर्स तो यस इसका आंसर हाँ होगा थर्टी नंबर क्वेश्चन है अ पर्सन होल्ड अ बंडल ऑफ हे ओवर हीज हेड फॉर थर्टी मिनट एंड गेट टायर्ड देखिए थर्टी मिनट तक अपने सर के ऊपर सिर्फ हे को रखे रहा मूव नहीं किया कहीं हैज ही डन सम वर्क और नॉट तो क्या है कोई वर्क किया है या नहीं तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट फोर्स तो अप्लाई किया है इसको ऊपर सर के ऊपर रखे रहने में बट कोई डिसप्लेसमेंट नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे नो no हो जाएगा वर्क डन नो जीरो नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड पंद्रह सौ हाउ मच देखिए पावर इक्वल टू होता है एनर्जी बाय टाइम कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है पर सेकेंड ठीक है तो यहाँ पे पंद्रह सौ वाट ये जो लिखा हुआ है तो हाउ मच एनर्जी तो यहाँ पे एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा पावर इनटू टाइम एंड पावर है इस बल्ब का ये हीटर का पंद्रह सौ वाट एंड टाइम यहाँ पे दस घंटा में पूछ रहा है कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा तो पावर पंद्रह सौ वाट है और यहाँ पे दस घंटा है तो आप इसको सेकेंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो टेन आर ये हो गया मिनट और ये हो गया सेकेंड इसको सॉल्व कर लीजिए इतना जूल एनर्जी ये कंज्यूम करेगा दस घंटा में इलुस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाई डिस्कसिंग द एनर्जी चेंज विच वी ड्रॉ पेंडुलम बॉब टू वन साइड एंड अलाउ इट टू अट वाइट डज बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट वॉट हैपन टू इट्स एनर्जी इवेंचुअली इज इट अ वेशन ऑफ लॉफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखिए पहले एक पेंडुलम का डायग्राम बनाते हैं ये मान लीजिए कि एक पेंडुलम है तो आपने पेंडुलम को ड्रॉ किया एक तरफ और यहाँ पे ले जा करके इसको छोड़ दिया जब आपने यहाँ पे इसके पास लाया तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा जो कि अगर ये ग्राउंड है तो एम जी एच आ जाएगा मतलब आप समझ लीजिए कि इसके पास कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि आपने इसका पोजीशन चेंज कर दिया अब जैसे ही आप इसको छोड़िएगा ये बॉल धीरे धीरे नीचे आएगा ये जो बॉब है पेंडुलम का है धीरे धीरे, धीरे नीचे आएगा एंड पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा एंड काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इसके पास वेलोसिटी तो आते जाएगा तो जैसे ही इस पॉइंट पे आइएगा तो इस पॉइंट पे, पे हाइट जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा बट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा मान लीजिए कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ए है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ए हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया और यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है ना तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा बट धीरे धीरे ये ऊपर आना स्टार्ट होगा तो ऊपर धीरे धीरे आते आते ये हाइट गेन करेगा एंड हाइट गेन करेगा उसके साथ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है फिर जैसे ही ये ऊपर जाने लगेगा तो इसका वेलोसिटी कम होने लगेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगा एंड पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगा फिर यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर आते आते पोटेंशियल एनर्जी जो ए था वो ए हो जाएगा एंड काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा फिर ये वापस यहाँ पर आएगा फिर यहाँ पे आते-आते इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा एंड कैनेटिक एनर्जी बढ़ेगा फिर ये वापस जब जाएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा एंड कैनेटिक एनर्जी कम होता जाएगा तो क्वेश्चन में था इलुस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिस्कसिंग द एनर्जी चेंज विच अकर ड्रॉ अ पेंडुलम वॉक टू वन साइड तो देखिए यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है ना यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी ए है इस पॉइंट पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जीरो एंड कैनेटिक एनर्जी ए तो टोटल ए ही हो गया इस पॉइंट पे भी यही है मतलब यहां पे मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व है नेक्स्ट पार्ट है वाई डज द बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट ये बॉब इवेंचुअली धीरे धीरे रेस्ट में क्यों आ जाता है क्योंकि यहाँ पे इस पर एयर का फ्रिक्शन लगता है इन्वॉर्मेंट में एयर भी तो होता है अगर आप इसको वैक्यूम में रख करके ओसिलेट करवाइएगा ना तो ये कभी रेस्ट में आएगा ही नहीं तो यहाँ पे रेस्ट में इसलिए चला आता है क्योंकि इस पर एयर प्रेशर लगाता है एयर रेजिस्टेंस लगाता है वाइट बॉब वाइट हैपन टू इट्स एनर्जी तो इसका एनर्जी वेस्ट हो जाता है लॉस हो जाता है एयर इस पर प्रेशर लगाता है जिसकी वजह से इसका एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाता है एयर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है ना अगर बॉब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एयर इस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है एंड ये फोर्स धीरे धीरे एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और फिर ये रेस्ट में चला आता है इज इट द वायलेशन ऑफ़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो नो लॉ ऑफ एनर्जी के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं कर रहा क्योंकि हमने तीनों पॉइंट पर देखा था एनर्जी कंजर्व था एंड ये जीरो हुआ भी तो एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद एक्सटर्नल एयर रेजिस्टेंस लगने के बाद है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी मास एम है वेलोसिटी वी है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट अब इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाना है जिसके पास इतना एनर्जी है तो इसको रेस्ट में लाना है इसका मतलब इस पर इतना अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी लगाइएगा जितना इसके पास एनर्जी है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में इस पर एनर्जी लगाएगा तो रेस्ट में आ जाएगा तो इसके पास अभी एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर तो इसको रोकने के लिए भी हाफ एम भी स्क्वायर ही चाहिए एनर्जी हाउ मच तो आपको इतना ही वर्क डन करना होगा नेक्स्ट है कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार 1500 किलोग्राम का कार है जो कि 16 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है दोनों क्वेश्चन सेम है इसको भी रेस्ट में लाना है इसको भी रेस्ट में लाना है तो जैसे इसको सॉल्व किया उसी तरह इसको भी सॉल्व कीजिए ये 1500 किलोग्राम है 60 किलोमीटर पर आवर है इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए उसके बाद वो हाफ एम स्क्वायर कर दीजिए हाफ एम बी स्क्वायर मास इतना हो जाएगा और वेलोसिटी आपका जो आएगा ये मीटर पर सेकेंड में वो हो जाएगा इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको फाइव बाई एटीन से डिवाइड करना होता है तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा नेक्स्ट है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम ये तीनों कंडीशन में फोर्स एक्ट कर रहा है एम ये बॉडी का मास है एम ऑन एन ऑब्जेक्ट मास एम द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट शोन बाय द लॉन्गर एरो ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज निगेटिव पॉजिटिव और जीरो देखिए इस केस से स्टार्ट करते हैं इधर से फोर्स अप्लाई हो रहा है इधर ही डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव हो गया नेक्स्ट देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है तो यहाँ पे वर्क वक्डन निगेटिव हो गया इस केस में देखिए फोर्स ऊपर अप्लाई हो रहा है बट डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि एक्चुअल फार्मूला जो वकडन का होता है वो होता है एफ एस थीटा ये एक्चुअल फार्मूला होता है हमने जो पढ़ा था वॉकडन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये था सिर्फ स्ट्रेट पाथ के लिए यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन में फोर्स लग रहा है सेम लाइन पे फोर्स भी लग रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है यहाँ भी देखिए सेम लाइन में ही फोर्स लग रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है बस डायरेक्शन उल्टा है यहाँ पे देखिए ऑब्लिकली फोर्स लग रहा है फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलरली डायरेक्शन इस डायरेक्शन सॉरी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है एंड फोर्स लग रहा है अपॉर डायरेक्शन में तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सीधा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है तो यहाँ पे इस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे तो एफ इंटू एस और कॉस ठीटा इजल टू कॉस नाइन्टी ले लेंगे यहाँ पे तो कॉस नाइन्टी का वैल्यू जीरो होता है कॉस नाइन्टी डिग्री का वैल्यू जीरो होता है तो इस डायरेक्शन में भी वर्क डन जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो गया यहाँ पे पॉजिटिव हो गया यहाँ पे निगेटिव हो गया नेक्स्ट है सोनी सेज दैट द एक्सेलेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन वेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट कह रहा है कि सोनी कहती है कि एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलेशन जीरो है इस पर फोर्स लग रहा है तब भी ठीक है तो ये बहुत सिंपल है ये मान लीजिए कि कोई बॉल है इस पर आप इधर से एफ फोर्स लगा रहे हैं इधर से भी एफ फोर्स लगा रहे हैं तो इस पर फोर्स तो लग रहा है सेवरल फोर्स कह रहा है ना इधर से भी फोर्स लगा दीजिए इधर से भी फोर्स लगा दीजिए एक यही मान लीजिए कि यही है ये यह ऑब्जेक्ट है ठीक है आप इस पर भी इधर से फोर्स लगा दीजिए इधर से भी लग रहा है इधर से भी लगा दीजिए इधर से भी लगा दीजिए सब तरफ से एफ फोर्स नहीं लगाइए तो इसमें कोई मोशन आएगा कुछ नहीं मोशन आएगा तो इसका एक्सेलेशन जीरो हो जाएगा जब कोई बॉडी मूव ही नहीं करेगा मूव ही नहीं करेगा तो उसमें एक्सेलेशन जीरो रहेगा तो सोनी से दैट द एक्सेलेसन इन ऑब्जेक्ट कुड जीरो इवन वेन सेवरल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट ये बात सही है डू यू एग्री तो यस yes. वाई तो रीजन दे दीजिएगा फाइंड द एनर्जी इन किलो वाट आवर कंज्यूम इन टेन आर बाई फोर डिवाइस ऑफ पावर फाइव हंड्रेड वाट इच यहाँ पर देखिए एक डिवाइस जो है पाँच सौ वाट बिजली लेता है तो फोर डिवाइस है ना तो फोर डिवाइस कंज्यूम करेगा टोटल तो ये टू थाउजेंड वाट इतना बिजली कंज्यूम करेगा अब आप इस आपको इसको किलो वाट आवर में बताना है तो एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम बात किया था पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम होता है तो एनर्जी इक्वल टू पावर एनर्जी इक्वल टू पावर टाइम हो जाएगा पावर है टू थाउजेंड एंड टाइम दिया हुआ है टेन आवर आपको के डब्लू एच में बताना है ना तो ये टोटल हो जाएगा ये तो एच ही इंच को रहने दीजिए ये अभी वाट में है ये टू थाउजेंड वाट आया है ना तो इसको अभी वाट में रहने दीजिए ये टोटल आ गया टू थाउजेंड और ये दस से मल्टीप्लाई ट्वेंटी थाउजेंड वाट आवर हो गया आपको ये वाट आवर है आपको किलो वाट आवर में बताना है ट्वेंटी तो थाउजेंड है तो ये ट्वेंटी किलो हो जाएगा ट्वेंटी किलोग्राम हो जाएगा ये तीनों किलोग्राम में किलो में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये ट्वेंटी किलो वाट आवर हो गया आंसर ट्वेंटी किलो वाट आवर नेक्स्ट है अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड वाट हैपन टू इट्स कैनेटिक एनर्जी तो ये तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बात किया था ये देखिए बॉल जब गिरा ग्राउंड पे तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे देखिए आप फील किए होंगे कि जब कोई चीज़ गिरती है तो वहाँ पे थोड़ा सा हीट भी प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पर कुछ एनर्जी कुछ काइनेटिक एनर्जी तो हीट एनर्जी में प्रो कन्वर्ट हो गया होगा यहाँ पे साउंड भी रिलीज होता है तो कुछ एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हुआ होगा इस बॉल का अगर सेप चेंज हुआ होगा तो कुछ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा क्योंकि शेप चेंज होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है एंड कुछ ये जो बॉल है एनर्जी इस ग्राउंड को दे दिया होगा एंड ग्राउंड के पास ये एनर्जी आकर के स्टोर हो गया होगा तो यहाँ पे ग्राउंड के पास भी पोटेंशियल एनर्जी आ गया होगा इस तरह से हीट एनर्जी साउंड एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में एनर्जी कैनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा तो ये था आपका एन का सारा क्वेश्चन अब इतना क्वेश्चन अगर आप कर लीजिएगा और मेरा पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा इसका फर्स्ट पार्ट तो वर्क एनर्जी से कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा सारा क्लियर हो जाएगा एक दो कॉन्सेप्ट मैंने जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बच गया था वो भी मैंने करा दिया जैसे ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बच गया था कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में तो मैंने इसको यहाँ पे करा दिया तो अब अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए वीडियो को अच्छे से देखिए एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा देखिए उसके बाद बुक पढ़िए और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी आपको मिल रहा है कहीं से उसको सॉल्व कीजिए इस चैप्टर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू